हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता है एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर यू। तो आज जो है हम इंडेक्स फंड्स के बारे में जानने वाले हैं और हम ये सीखेंगे कि अलग अलग तरीके के इंडेक्स फंड्स कौन से होते हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग इज अ कॉन्सेप्ट बहुत पेस पिकअप किया है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसमें वन ऑफ द कैटेगरीज जो बहुत पॉपुलर है सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली वो है इंडेक्स फंड्स। तो आज हम इंडेक्स फंड्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। इंडेक्स फंड्स बहुत पॉपुलर किस लिए है? वो इसलिए पॉपुलर है क्योंकि एक तो इंडेक्स फंड्स काफी अफोर्डेबल होते हैं, दूसरा वो डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं एट लो कॉस्ट। एट द सेम टाइम इंडेक्स फंड्स ने ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न भी दिए हैं एंड दे आर टैक्स एफिशिएंट। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंडेक्स फंड्स होते क्या हैं। तो इंडेक्स फंड्स बेसिकली पैसिवली मैनेज्ड फंड्स हैं जिसमें एक्टिव फंड मैनेजमेंट नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जो फंड मैनेजर होते हैं वो कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं करते हैं, वो एक्टिवली स्टॉक्स को सिलेक्ट नहीं करते हैं, वो कोई इलैबोरेट रिसर्च नहीं करते हैं, बल्कि जो भी अंडरलाइन इंडेक्स है उसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट करते हैं। सो एन इंडेक्स फंड मिरर्स अ पर्टिकुलर इंडेक्स। सो फॉर एग्जाम्पल जो फंड मैनेजर होंगे वो एक जो बेंचमार्क है, जो अंडरलाइन बेंचमार्क है, उसके सेम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे इन द एग्जैक्ट सेम वेटेजेस। तो इंडेक्स फंड का जो पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो मार्केट को आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म करना नहीं होता है। इंडेक्स फंड का पर्पस यही होता है कि मार्केट की परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाए और रिटर्न्स जो है मार्केट जितने ही इन्वेस्टर को मिले, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ एन इंडेक्स फंड। लेकिन आई थिंक इट इज वेरी सेफ टू अज्यूम कि जब हम इस एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं शायद हमें एग्जैक्टली मार्केट जितना रिटर्न ना मिले बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग एरर, जो बेसिकली ट्रांजैक्शन कॉस्ट या ट्रेडिंग कॉस्ट होता है। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि अगर आपने एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मार्केट से थोड़ा कम होगा बिकॉज ऑफ द एक्सपेंस रेशियो। अब इंडेक्स फंड्स के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये पैसिवली मैनेज फंड्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत इजी होते हैं मैनेज करने के लिए क्योंकि इसमें कोई इलैबोरेट रिसर्च नहीं जाता, इसमें स्टॉक रिसर्च, इंडस्ट्री एनालिसिस ये सब करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि आप सीधा इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहे हो। तो इसीलिए क्योंकि ये पैसिवली मैनेज फंड्स हैं दे आर वेरी मच इजियर टू मैनेज। दूसरा ऑफ कॉस्ट लो कॉस्ट, क्योंकि एक तो इसमें टर्नओवर रेशियो काफी कम है एंड एट द सेम टाइम क्योंकि ये पैसिवली मैनेज्ड फंड है इसका जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है वो कम है कंपेयर टू एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। तीसरा फीचर जो है वो है नो बायस इन्वेस्टिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उनको एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द मैंडेट फॉलो करना पड़ता है जिसकी वजह से यू नो ह्यूमन डिस्क्रेशन या इंटरफियरेंस का जो स्कोप है वो काफी कम हो जाता है, विच ऑब्वियसली एड्स टू द बेनिफिट। द नेक्स्ट फीचर इज कि इंडेक्स फंड्स आपको डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं बिकॉज अगर आप एक इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहे हैं विच कंप्राइजेस ऑफ मल्टीपल स्टॉक्स तो वो डाइवर्सिफिकेशन आ जाता है एंड प्रोबेबली ऑफ ऑल द स्टॉक्स विच आर मार्केट लीडर्स इन देयर ओन सेगमेंट। नेक्स्ट इज इंडेक्स फंड्स का जो बीटा होता है वो 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंडेक्स फंड्स की जो वॉलिटिलिटी होती है वो इट इज इन सिंक विद द अंडरलाइंग बेंचमार्क। तो इससे पहले कि हम अलग अलग तरीके के इंडेक्स फंड्स के बारे में जानें एक इंडेक्स फंड्स की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत फैसिनेटिंग है। तो जो सबसे पहला दुनिया का इंडेक्स फंड लॉन्च हुआ था वो लॉन्च किया गया था बाय जॉन सी बोगल जो वैनगार्ड ग्रुप के फाउंडर थे और इस फंड का जो नाम था जो उन्होंने पहला इंडेक्स फंड लॉन्च किया था उसका नाम था फर्स्ट इंडेक्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो अभी इस फंड का नाम है वैनगार्ड 500 इंडेक्स फंड। और ये फंड जो है S&P 500 को रेप्लिकेट करता है एंड S&P 500 कंप्राइजेस ऑफ द 500 बिगेस्ट US स्टॉक्स। सो जब ये फंड लॉन्च हुआ था ये इस फंड को जो है बोगल्स फॉली माना जाता था क्योंकि ये फंड जो है एक बहुत बड़ा फेलियर था। इस फंड ने सिर्फ $11 मिलियन रेज किए थे अगेंस्ट द इंटेंडेड $150 मिलियन एंड ऑब्वियसली क्योंकि सिर्फ कम पैसा कलेक्ट किया गया था जो टीम थी वो एग्जैक्टली सारे स्टॉक्स इंडेक्स के नहीं खरीद पाई थी तो उन्होंने दे डिडंट गिव अप, उन्होंने फिर भी जो है टू अ लार्ज एक्सटेंट पॉसिबल इंडेक्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश की और उन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया। द बिगेस्ट आयरनी इज कि जब 2019 में बोगल की डेथ हुई तब इस फंड का जो वैल्यूएशन था वो था $441 बिलियन और आज इस फंड का वैल्यूएशन है $600 बिलियन और ये फंड दुनिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड माना जाता है। इस फंड का जो वैल्यूएशन है वो पूरी इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से भी ज्यादा है क्योंकि इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री स्टैंड्स एट $480 बिलियन।
अगर हम इंडिया में भी देखें तो जो सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है वो एक इंडेक्स फंड है, विच इज SBI निफ्टी 50 ETF, और इसका जो AUM है वो है 50,000 करोड़। तो चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग टाइप्स के इंडेक्स फंड्स कौन से अवेलेबल हैं इन द इंडियन मार्केट। तो सबसे पहले है ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड्स। तो ये जो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड्स होते हैं, ये ट्राई करते हैं कि जो वाइडर रेंज ऑफ इन्वेस्टेबल स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर पाए। तो फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई इंडेक्स फंड जो निफ्टी 500 इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, उसको हम ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड बोल सकते हैं। द बिगेस्ट एडवांटेज की ये जो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड होते हैं, क्योंकि ये लार्ज रेंज ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में बिलोंग करते हैं और अलग अलग मार्केट कैप्स में बिलोंग करते हैं। ऑल्सो ये जो इंडेक्स फंड होते हैं, इनका एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है और ये काफी टैक्स एफिशियंट होते हैं। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ अ ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड इज मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड। तो एज द नेम सजेस्ट, ये फंड जो है निफ्टी 500 को रेप्लीकेट करता है। इस फंड का जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.39%, विच इज वेरी लो। और ये इस फंड में जो स्टॉक्स हैं वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड इवन माइक्रो कैप कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं। तो अगर हम इस फंड की थोड़ी परफॉर्मेंस देखें अगेंस्ट द अंडरलाइंग बेंचमार्क, एज यू कैन सी इन द चार्ट, ये फंड काफी क्लोजली जो है निफ्टी 500 को मिरर कर रहा है। सो ये फंड्स जो हैं ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड्स, दे आर एक्सीलेंट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो ब्रॉड मार्केट पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं एट लो कॉस्ट एंड हाई टैक्स एफिशिएंसी। जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ इंडेक्स फंड्स है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स फंड्स। तो जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो साइज डज मैटर, और मोस्ट ऑफ द इंडिसीज जो अवेलेबल हैं वो क्रिएट किए जाते हैं बेस्ड ऑन वेइंग द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अंडरलाइंग स्टॉक्स। तो जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250 या फिर निफ्टी 200, ये सारे जो इंडिसीज हैं दे आर बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक्स। तो एक जो इन्वेस्टर है, अगर इन्वेस्टर को अपने फंड्स एलोकेट करने हैं इंडेक्स फंड्स, वो इस कैटेगराइजेशन के बेसिस पे अपने फंड्स एलोकेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि हमने चार इंडेक्स फंड्स इस कैटेगरी में लिए हैं और उनको एक चार्ट पे प्लॉट किया है टू शो यू द परफॉर्मेंस ऑफ दीज इंडेक्स फंड्स इन द लास्ट वन ईयर। तो फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, फिर हमने लिया है DST नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, फिर हमने लिया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 150 इंडेक्स फंड and Nippon Nifty Small Cap 250 Index Fund. Now, as you can see from the chart, जो mid cap index funds या फिर small cap index funds हैं, वो ज़्यादा volatile हैं compared to large cap और next 50. अब जो next category of index funds हैं, वो है equal weight index funds. तो as the name suggests, जो equal weight index funds होते हैं, वो एक इक्वल वेटेड इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, जो फंड्स निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, उनको हम इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड्स बोलते हैं। इन फंड्स का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि ये फंड्स जो है काफी अच्छे से वेल डाइवर्सिफाइड होते हैं, जिसकी वजह से ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं टू द पोर्टफोलियो। तो मान लीजिए ऐसा सिनेरियो है जहां पे कोई एक बड़ा सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो जो छोटे सेक्टर्स होते हैं वो आउट परफॉर्म करके वो लॉसेस को ऑफसेट कर देते हैं। और अगर आप इनको ब्रॉडर इंडेक्स फंड्स के साथ कंपेयर करेंगे, तो ब्रॉडर इंडेक्स फंड्स में जो है वेटेजेस चेंज होती रहती हैं, तो वो प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती है टू दैट एक्सटेंट। तो जो निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड्स होते हैं, तो वो जो है फॉर एग्जांपल, आपको जो सारे स्टॉक्स होते हैं इस फंड में उनको सेम वेटेज दी जाती है। सो फॉर एग्जांपल, सारे स्टॉक्स की वेटेज होगी 2%। और इसको अगर हम ब्रॉडर इंडेक्स फंड्स के साथ कंपेयर करें, तो ब्रॉडर इंडेक्स फंड्स में वेटेजेस चेंज होती रहती है बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो लाइक आई सेड, ये जो इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड्स होते हैं, ये बेटर डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं कंपेयर टू ब्रॉडर इंडेक्स फंड्स। तो इफ वी जस्ट लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी 50 एंड निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, एज यू कैन सी कि जो परफॉर्मेंस के हिसाब से जनरली जो इक्वल वेट इंडेक्स फंड्स होते हैं वो बुल मार्केट्स में ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं और बेरिश मार्केट्स में थोड़ा जो है दे फॉल शॉर्ट। और अगर हम इनको ब्रॉडर इंडेक्स फंड्स के साथ कंपेयर करें, तो ब्रॉडर इंडेक्स फंड्स का उस टाइम में जो है बेरिश मार्केट्स में परफॉर्मेंस उतना इम्पैक्ट नहीं होता है बिकॉज ऑफ हायर एलोकेशन टू स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स। तो ऑन योर स्क्रीन नाउ यू विल सी एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और एक निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में पोर्टफोलियो होल्डिंग और एलोकेशन कैसा दिखता है।
जो एक और कैटेगरी ऑफ इंडेक्स फंड्स हैं जिसने काफी पेस पिकअप किया है इन द रीसेंट पास्ट, वो है स्मार्ट बीटा फंड्स या फैक्टर बेस्ड फंड्स। तो ये फंड्स जो हैं मार्केट कैप एज एन अंडरलाइंग फैक्टर कंसिडर नहीं करते हैं, बल्कि और अदर फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं व्हाइल सिलेक्टिंग अ फंड। तो जैसे आपका पीई रेशियो हो गया, या फिर डिविडेंड यील्ड हो गया, बुक वैल्यू हो गया, कैश फ्लोज हो गया, तो ऐसे अलग अलग यू नो मेट्रिक्स को यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ मार्केट कैप। और ये जो मेट्रिक्स हैं इनको बहुत अच्छे से एनालाइज किया जाता है और फिर अलग अलग बकेट्स में डाला जाता है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर्स। तो जैसे हो गया आपका वैल्यू बकेट, या फिर मोमेंटम बकेट, क्वालिटी बकेट, या फिर वॉलिटिलिटी बकेट। तो लेट्स सी कि यू नो ये फैक्टर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स। नाउ सम ऑफ द स्मार्ट बीटा फंड्स विच आर अवेलेबल वो हो गए आपके निपॉन इंडिया निफ्टी वैल्यू 20 फंड, या फिर Edelweiss निफ्टी 100 क्वालिटी 30 फंड, या फिर UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 फंड एक्सेट्रा। जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ इंडेक्स फंड्स हैं वो है सेक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड्स। तो ये फंड्स जो है प्लेन वेनीला इंडेक्स फंड्स हैं जो एक सेक्टरल इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। तो चाहे वो फार्मा हो, IT हो, हेल्थ केयर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कंजम्पशन हो एक्सेट्रा। तो ये जो फंड्स हैं ये एक लाइक आई सेड एक सेक्टरल इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, और इसमें भी जो है वो और नैरो या और ब्रॉड हो सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यू वुड हैव प्राइवेट बैंक ओनली इंडेक्स फंड्स, या फिर PSU ओनली इंडेक्स फंड्स एक्सेट्रा अंडर द बैंकिंग सेक्टर। तो ऑन योर स्क्रीन आपको जो है थोड़े सेक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड्स के एग्जाम्पल दिखेंगे। जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ इंडेक्स फंड्स है वो है इंटरनेशनल इंडेक्स फंड्स। तो ये जो इंटरनेशनल इंडेक्स फंड्स होते हैं ये इंटरनेशनल इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। तो चाहे वो डेवलप्ड मार्केट्स में हो, इमर्जिंग मार्केट्स में हो, या फिर फ्रंटियर मार्केट्स में हो। द बेस्ट थिंग अबाउट इंटरनेशनल इंडेक्स फंड्स इज कि क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट्स को ट्रैक कर रहे हैं, तो एज एन इन्वेस्टर आप इंटरनेशनल स्टॉक्स में इनके जरिए एक्सपोजर पा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम NYSE फैंग प्लस इंडेक्स देखें, विच इज कम्प्राइज ऑफ योर फेमस फेसबुक, एप्पल, एमेजॉन, नेटफ्लिक्स एंड गूगल, एंड फाइव ग्रोथ स्टॉक्स विच इज योर ट्विटर, टेस्ला, बायदू, अलीबाबा एंड एनवीडिया, या फिर हो गया आपका S&P 500, या फिर NASDAQ, या कोई भी और इंटरनेशनल इंडेक्स लाइक हैंगसेंग इंडेक्स में भी। तो ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनेशनल फंड्स जो अलग इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल इंडेक्स फंड्स का एक बड़ा एडवांटेज ये है दैट दे वर्क एज अ हेजिंग स्ट्रैटेजी। हेजिंग का मतलब होता है नेगेटिव कोरिलेशन। सो फॉर एग्जांपल अगर हम NYSE फैंग प्लस इंडेक्स को देखें और निफ्टी 50 को देखें, तो इन ये जो दो इंडस्ट्रीज में जो कोरिलेशन है वो लेस देन 20% है, मेकिंग देम वेरी पॉपुलर ऑपोजिट्स। अब तो इन कैटेगरीज के अलावा और भी थोड़े कैटेगरीज ऑफ इंडेक्स फंड्स हैं, जैसे हो गए आपके डेट ओरिएंटेड इंडेक्स फंड्स जो बेसिकली डेट इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो चाहे वो बॉन्ड इंडेक्स हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स, या फिर गिल्ट इंडेक्स एंड सो ऑन। अभी ऑफ लेट जो है कस्टम इंडेक्सिंग भी इंडिया में इनरोड्स कर रहा है, भले अभी उतना मेन स्ट्रीम ना हो, बट इट विल गेन ट्रैक्शन इन द कमिंग ईयर्स। सो जस्ट टू कंक्लूड, जब हम एक म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट होराइजन हो, हमारे गोल्स हो, हमारे लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स हो, हमारे रिस्क एपेटाइट हो, एंड इंडेक्स फंड्स आर नो एक्सेप्शन टू द रूल। इंडेक्स फंड्स ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल होते हैं जो शायद थोड़ा रिस्क अवर्स है, थोड़ा प्रिडिक्टेबिलिटी चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, एट द सेम टाइम लो कॉस्ट और हायर टैक्स एफिशिएंसी भी उनका मोटो है। So I would say index funds are an all-in-one bundle for long-term investors. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो do hit the like button, share this video with everyone and of course subscribe to the Grow channel. इस वीडियो में हमने बहुत सारे examples लिए हैं to explain the concepts, लेकिन please उनको हमारी recommendation मत समझिए। Thank you so much and keep watching. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.